सूद सभा चंडीगढ़ की ओर से 18 दिसंबर को चंडीगढ़ में वार्षिक सूद मेले का आयोजन किया जा रहा है। चंडीगढ़ के सेक्टर 44 स्थित सूद भवन में आयोजित किए जा रहे इस मेले को लेकर सभा की ओर से तैयारियां जारी हैं। इस बारे में चंडीगढ़ के अध्यक्ष उमेश सूद ने बताया कि इस दौरान सूद परिवारों के लिए विभिन्न रोचक प्रतियोगिता भी करवाई जाएंगी और विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाली सूद बिरादरी की शख्सियत को सूद रत्न अवार्ड देकर सम्मानित भी किया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम उमेश सूद, मैं प्रेसिडेंट सूद सभा चंडीगढ़ मोहाली पंचकूला। मेरे साथी श्री अश्विनी सूद जी जनरल सेक्रेटरी और उनके साथ लोकेश सूद जी पब्लिसिटी सेक्रेटरी और हमारे इस साल के मेला चेयरमैन श्री खुशविंदर सूद जी। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, जितने भी हमारे सूद भाई बहन हैं, कि जो हमारा एक वार्षिक मेला होता है उसमें अपना योगदान दें। हमारे इस मेले में दूर दूर से पूरे नॉर्थ इंडिया से सारे सूद भाई बहन यहाँ पर आते हैं। ये हमारा एक एनुअल मेला है जिसका कि हम एक वर्ष अपने सूद सभा चंडीगढ़ में और एक बार सूद भवन पंचकूला में आयोजन करते हैं। इसमें सभी उम्र के भाई और बहनों के लिए खेलों की प्रतियोगिता, म्यूजिकल चेयर्स और तरह के कई कंपटीशन, बच्चों के लिए ड्राइंग्स, रंगोली, पेंटिंग्स और जेंट्स के लिए बटन स्टिचिंग वगैरह, ऐसे इस तरह के थोड़े प्रोग्राम रखे जाते हैं। और इसके साथ साथ हमारे बड़े दूर दूर से सूद ब्रादर्स के बंदे आते हैं। इस बार आपको हमको बड़ी खुशी हो रही है कि इस बार हमारे भाई बहन जो सूद ब्रदर्स हैं वो जम्मू कश्मीर से बारामूला से भी हमारे मेले में शिरकत करेंगे। और इसमें हमारे क्या है कि एक साल में, पूरे साल में हम एक उस व्यक्ति को जो कि बड़ा गणमान्य जान पहचान वाले होते हैं उनको हम अपना चीफ गेस्ट बनाते हैं। इस बार डॉक्टर राजीव सूद जो कि सीनियर यूरोलॉजिस्ट हैं दिल्ली में, उनको हमने इस बार चीफ गेस्ट जो है आमंत्रित किया है। सूद रत्न अवार्ड भी देते हैं, वो उस व्यक्ति के लिए होता है कि जिन्होंने मानव सेवा में या बिरादरी के लिए कोई अच्छा ऐसा काम किया हो जो कि माननीय हो, योग्य हो। तो इस बार हम ये जो सूद रत्न अवार्ड है वो हमारे सीनियर एडवोकेट शिमला हाईकोर्ट के श्री कपिल सूद जी को, और दूसरी गेम से सबका मतलब मनोरंजन किया जाता है और बीच में हम एक प्रीति भोज रखते हैं जिसमें लंच वगैरह सबको दिया जाता है, प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद जो गेम्स वगैरह होती हैं, जो हमारे लेक्चर्स हैं, जो हमारे दूर दूर से गणमान्य व्यक्ति आ जाते हैं उनकी हम जो है वो सुनते हैं, क्या हम इस बिरादरी के लिए और अच्छा कर सकते हैं उसके बारे में उनके जो व्यूज वगैरह होते हैं वो भी हम सुनते हैं। और इन चीज़ों के साथ आप सबसे मैं निवेदन करूँगा, जितने भी हमारे सूद भाई बहन हैं वो इस मेले में बढ़ चढ़ के हिस्सा दें। और धन्यवाद। सूद साहब, ये मेला का भी आयोजन किया जा रहा है? हाँ, ये मेला, सॉरी मैं बताना भूल गया, ये मेला हमारा इस साल चंडीगढ़ सूद भवन सेक्टर 44 में हो रहा है। सुबह 10:30 बजे मेला शुरू हो जाता है। जो भी यहाँ व्यक्ति सुबह जल्दी आ जाएंगे उनके लिए ब्रेकफास्ट का भी इंतजाम होता है। 18 दिसंबर को रविवार वाले दिन सूद भवन सेक्टर 44 चंडीगढ़ में आयोजित किया जा रहा है। इसमें आप सबसे निवेदन है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जो हमारे बाहर से व्यक्ति जल्दी आने वाले होंगे उनके लिए ब्रेकफास्ट का भी इंतजाम है। अगर कोई एक दिन पहले आना चाहता है तो उसके लिए हम लोग जो रहने का भी व्यवस्था पूर्ण करेंगे। और आप सबसे निवेदन है कि इस मेले में जरूर दर्शन दें और हमारा उत्साह बढ़ाए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चंडीगढ़ से मुकेश संगर की रिपोर्ट।